आई एम सिद्धार्थ दा एंड वेलकम टू सिद्धि अर्थ ग्रुप ऑफ एडुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस और बायोलॉजी का कुछ चुनिंदे टॉपिक्स। हम लोग आज बात करेंगे कि साइंस क्या है, और खासकर हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइंस के बारे में, और जानेंगे कि लाइफ साइंस के और कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं लाइफ साइंस के बारे में। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इट इज ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। And this word is come from sire. ये लेटिन वर्ब से आया है sire, और इसका मतलब होता है टू नो। और अगर हम इसी का लेटिन नाउन शब्द को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं scientia, जिसका मतलब होता है नॉलेज। इस दुनिया में कोई भी चीज साइंस के बिना पॉसिबल नहीं है, और कोई भी चीज को पॉसिबल करने के लिए साइंस की जरूरत पड़ता है। उसी तरह साइंस को पॉसिबल करने के लिए भी हर चीज का महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। लेकिन ये साइंस को पूरा करने के लिए कुछ बातें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि घर बनाने के लिए जमीन और फर्श को साथ साथ कुछ पिलर्स भी लगाने पड़ते हैं, और वो पिलर को खड़े करने के लिए जमीन और छत का होना जरूरी है। उसी तरह साइंस के भी जमीन और छत है, और उसी छत को खड़े करने, उसी छत के नीचे कुछ पिलर्स भी खड़े होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि साइंस के वो सात पिलर्स क्या क्या है, और साइंस के छत और जमीन किसे कहते हैं। द सेवन पिलर ऑफ साइंस। फर्स्ट, फैक्ट, लॉ एंड प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग द प्रॉब्लम, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं न्यूटन का। सेब, एप्पल, वो तो बरसों से गिरते आ रहे हैं पेड़ से, बरसों से गिरते आ रहे हैं, तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये होना ही है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, वो फैक्ट है। पेड़ से जो एप्पल गिरे, वो जमीन पे ही गिरेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, ये फैक्ट है। लेकिन इसे लॉ और प्रिंसिपल हम लोग कैसे माने कि ये जो एप्पल है वो नीचे की ओर ही जाएगी? ये एक लॉ बन गया, ये एक प्रिंसिपल बन गया। लेकिन इसको बनने के लिए सबसे पहला चीज जो है वो है ऑब्जर्वेशन। न्यूटन ने इसे सबसे पहला ऑब्जर्व किया। एक तो हर कोई रहा, लेकिन देखना और गौर करना दो अलग अलग शब्द है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। देख सब कोई रहा है, लेकिन जो गौर कर रहा है उसे हम लोग ऑब्जर्व बोलते हैं साइंस में। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया न्यूटन, और न्यूटन के पास से ये प्रॉब्लम आया कि सेब एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिर रहे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को डिफाइन किया। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के तर्क दिए, तरह तरह के विचार सामने रख के बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने अपने आप ही कुछ हाइपोथेसिस से वो माने कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस हो रहा है, देन वो थ्योरी दे रहे हैं। हाइपोथेसिस और थ्योरी दो इंटरलिंक है। इस तरह ना, जो आप सोच रहे हैं उसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हजारों बार, सौ बार, दस बार, या एक बार में भी। अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसका रिजल्ट 99% से 80% सेम रिजल्ट आता है, तो उसे हम लोग एक थ्योरी बना देते हैं, और उस थ्योरी को जब पब्लिश करते हैं या पैटेंट कराते हैं, या जब इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारा दूसरे आंसर भी मिल जाते हैं, तो उसे हम लोग लॉज और प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसी तरह साइंस के लिए ये सात चीज होना, ये सेवन पिलर्स का होना जरूरी है। जब आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं, तो आप
साइंस भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए इन सात चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा और इन सात पिलर को खड़े करने के लिए दो मुख्य भूमिका है, वह है फर्स्ट नेचर और सेकंड मैटर। नेचर, नेचर का मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं, नेचर हम लोग यहाँ पे होल यूनिवर्स को कह रहे हैं, कॉस्मिक को कह रहे हैं, कॉस्मोस, होल यूनिवर्स मीन्स पूरे ब्रह्मांड, न केवल धरती के इन्वायरमेंट को, तो हम लोग नेचर पूरे को मानते हैं। और मैटर, मैटर क्या है? मैटर वो एक चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका अपना एक मास है और जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मैटर है। और मैटर को अगर हम लोग स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल की बात करें, तो मैटर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब एटॉमिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। सब एटॉमिक, सब एटॉमिक मींस एक एटम को बनाने के लिए जिन जिन पार्ट्स का जरूरत पड़ता है उसे हम लोग सब एटॉमिक बोलते हैं। और एक एटम बनाने के लिए तीन तरह का सब एटॉमिक का जरूरत पड़ता है, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे एटम बनता है। एटम हम लोग मान सकते हैं, मानना क्या, इसे ही एटम कहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है। अगर हम यहीं पर H2 लगा देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है। अगर हम यहाँ पर N2 लगा देते हैं, डेट मीन्स यहाँ नाइट्रोजन के दो एटम है। तो एलिमेंट भी हम लोग इसी को कहते हैं, जैसे फेरस, Fe इज ए एलिमेंट और एटम। अब अगर हम यहाँ पर H2O लिखते हैं, H2O इज ए मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम है, यानी यहाँ पर टोटल तीन एटम है। और जब एक से ज्यादा एटम को हम लोग मिलाते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलता है और वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। और मिक्सचर्स उसे कहते हैं जब हम लोग दो या तीन कंपाउंड को मिलाते हैं, जैसे दो या तीन कंपाउंड, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नमक में हम लोग वाटर मिला रहे हैं, तो दैट्स अ मिक्सचर, तो इसे हम लोग मिक्सचर्स बोलते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस तब करेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एटॉमिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या होते हैं, तो हम लोग इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि साइंस के लिए जो दो दो चीज महत्वपूर्ण है वो है नेचर और मैटर। इन दो चीजों के बिना साइंस का होना पॉसिबल नहीं है। अब साइंस जो मैंने अभी आपको कहा कि नेचर और मैटर, अब जो मैटर है, मैटर और एनर्जी दो एक दूसरे का, एक सिक्का का दो पहलू है। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में भी कहा है कि एनर्जी एंड मैटर आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, क्योंकि मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। यू कैन हैव मैटर विदाउट एनर्जी एंड यू कैन हैव एनर्जी विदाउट मैटर। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने वाटर ले लिया, सबको पता होगा कि वाटर का तीन मेन फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड गैस फॉर्म। तो जैसे लिक्विड फॉर्म में जब है वो भी एक मैटर है,
जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तब भी वो मैटर है, और जब वो सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तब भी वो मैटर है। लेकिन ये लिक्विड से सॉलिड करने के लिए हम लोग को आर्टिफिशियल का इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, या फिर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में करने के लिए कुछ एनर्जी का लॉस होता है और कुछ हीट एनर्जी हमें देना होता है। सॉलिड का क्या मतलब है? वाटर सॉलिड फॉर्म में है, दैट मीन्स आइस। वाटर सॉलिड फॉर्म में है, दैट मीन आइस। अब आइस से अगर हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आइस में हम थोड़ा सा हीट दे रहे हैं, या इसका मतलब ये हुआ कि हम आइस में अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, और जब हम लिक्विड को दोबारा हीट दे रहे हैं तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि मैटर को अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि मैटर में ही एनर्जी छिपा हुआ है। द सेम अमाउंट, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ मैटर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सो रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर। जिसका हम लोग अभी तुरंत बात किए कि लिक्विड जितना एनर्जी है सॉलिड में भी उतना ही एनर्जी है और गैस में भी उतना ही एनर्जी है, क्योंकि हम लोग जब वन मान लेते हैं 1 लीटर वाटर लिए थे लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम लोग सॉलिड किए, या फिर जो सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट किए और उसी को गैस में किए, तो यहाँ पे सेम चीज कर रहे हैं कि जो एनर्जी होता है वो बस चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी जिसे हम लोग नहीं कहते हैं कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे खत्म किया जा सकता है, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो एनर्जी, हाँ यहाँ पे एक चीज हम लोग बात कर सकते हैं कि मैटर और एनर्जी में डिफरेंट ये है कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो एनर्जी है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। जो मैटर है उसका एक पर्टिकुलर मास होता है और जो एनर्जी है उसका कोई मास नहीं होता है। जो मैटर है उसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो एनर्जी है उसे हम लोग न तो देख सकते हैं न तो छू सकते हैं। तो ये खास डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे का पहलू है। और ये जो एनर्जी वर्ड है, ये एनर्जी वर्ड रोमनाइज्ड एनर्जिया से आया है, जिसका मतलब होता है एक्टिविटी या ऑपरेशनल। एनर्जी का मेन दो टाइप होता है, पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं करने वाले हैं अभी। एनर्जी के बहुत टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मूवमेंट, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन हम लोग इस टॉपिक पे आज एक खास तरह की एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ एनर्जी, या हम लोग इसी को बायोलॉजिकल एनर्जी भी कहते हैं। इस एनर्जी के बिना जीवन का न होने का बराबर है। तो ये हमारे ब्रह्मांड में एक खास तरह का एनर्जी है, जो शुक्र है कि ये सिर्फ और सिर्फ धरती में ही पाया जाता है ये एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। तो ये लाइफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लिविंग मैटर एंड लाइफ एनर्जी। लिविंग मैटर एंड लाइफ एनर्जी किसे कहते हैं? इन लाइफ द ह्यूमन बॉडी कंप्रोमाइज्ड मैटर एंड एनर्जी, दैट एनर्जी इज बोथ इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड सिग्नल एंड केमिकल, दैट इज रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जिसके अंदर एनर्जी जो है उससे हम लोग जैसे बॉडी में मेटाबॉलिक हो रहा है, कोई सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एक तरह का रिएक्शन है। अगर आपको जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में काफी पसीना आ रहा है, इसका मतलब उसके बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, दैट इज केमिकल। अगर उसके बॉडी में जैसे मैं आपको छू रहा हूं, आपको टच कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि हाँ मैंने आपको टच किया, तो
दैट इज सिग्नल। मैं आपको टच किया और आपको आपका ब्रेन के पास सिग्नल चला गया, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल। अगर आपको जैसे यहाँ पे हम लोग पल्स चेक करते हैं, तो पल्स में यहाँ बीट होता है ना, वो क्या है, वो इम्पल्स है, दैट इज इलेक्ट्रिकल। तो इसी तरह अगर लाइफ है तो लाइफ में ये दो चीज का होना जरूरी है। द सेड कैन बी सेड अबाउट प्लांट, अगर हम लोग प्लांट के बात करें, व्हिच आर प्रूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस दैट अलाउ द जनरेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट सन से उनको एनर्जी मिलता है जो जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और उसे सन से उन्हें रे मिलता है और जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जिसके कारण हम लोग ये भी पढ़े हैं बचपन में कि जिसमें क्लोरोफिल होता है और इसीलिए पेड़ का पत्ता हरा कलर का होता है। तो दैट मीन्स तो प्लांट में भी एक तरह का एनर्जी होता है, लेकिन ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग बोटनी वाला पोर्शन में जाएंगे, तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी लाइफ को पॉसिबल करने के लिए एक खास तरह का फ्लूड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और इस वर्ड को सबसे पहले पुरकिन जी ने 1840 में और उसके बाद हुगो वॉन मोहन ने 1846 पे डिस्कवर किया है। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जिसके अंदर जान है, उसके अंदर एक तरह का गायरिस होता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट और विस्कस फ्लूड होता है, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और केमिकली ये प्रोटोप्लाज्म काफी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो कैपेबल होता है केमिकल एनर्जी को एनर्जी ऑफ लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने अभी आपसे बात किया कि ये केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो ये केमिकल एनर्जी कोई भी एनर्जी ऑफ लाइफ या बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो हम तब से बात कर रहे थे लाइफ, एक्चुअली ये लाइफ होता क्या है, किसने देखा लाइफ को, लाइफ कुछ नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी है। लाइफ कैन नॉट बी सीन और नाइदर बी टच, जिसे न तो हम छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड द इवर एक्टिव एंड चेंजेबल स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मैटर, ये जो लाइफ है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, मैटर में चेंज होता है और बॉडी में चेंज होता है, और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और ये निरंतर चलते रहता है, जिसे हम लोग लाइफ कहते हैं। इसमें कुछ चक्रस की बात की गई है, एक्चुअली ये क्रोन चक्र है जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म, डीएनए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेड, अपर स्पाइन, पिनियल ग्लैंड्स में होते हैं, जो थर्ड आई ये भी एक चक्र है, जो इंडोग्राइन नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, आई, पिट्यूटरी में होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, फीलिंग्स एंड ओपिनियन, तो ये अलग अलग चक्र की बात की गई है। हर्ट एक चक्र हो गया, सोलर पिनक्स एक चक्र हो गया, स्क्रल एक चक्र हो गया, रूट्स एक चक्र हो गया, तो ये बात हम लोग का वेद में भी लिखी हुई है, ये जो अभी साइंस प्रूव कर रहा है, तो ये चीज हम लोग को पहले से ही पता है। ग्रोथ एक चक्र हो गया, तो ये जो चक्र होते हैं वो कौन सा पोर्शन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज को बताया गया है। लाइफ को डिफाइन करने के लिए भी सात मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, वो सात पिलर क्या क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन एंड मोर सेल व्हिच आर कंसीडर्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं बात कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये यहाँ पे एक बात कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक या उससे ज्यादा सेल का होना जरूरी है। तो ये सेल क्या है, ये सेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये सेल होता क्या है। जिस तरह आप घर बनाने के लिए
जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात किया कि साइंस के पिलर होता है, तो उसी तरह अगर हम कहते हैं कि कोई भी घर बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट की जरूरत पड़ता है, आप एक एक ईंट को जोड़ेंगे तो एक दीवार खड़ी होगी, उसी तरह बहुत सारा दीवार को आप जब जोड़ेंगे तो एक कमरा बनेगा, उस तरह बहुत सारा कमरा को जब आप जोड़ेंगे तो एक घर बनेगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो सेल है, सेल को हम लोग अगर ब्रिक मान सकते हैं, तो कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट के लिए एक सेल का होना जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे तीन सेल बनाया, मैंने यहाँ पे तीन सेल बनाया, तो उस अगर हम ये हो गया एक सेल। इसी तरह अगर बहुत सारा सेल को हम जोड़ेंगे तो इसे कहते हैं टीसू, बाद में बताएंगे। उसी तरह जब बहुत सारा टीसू मिलता है तो उससे बनता है ऑर्गन। ऐसे जब बहुत सारा ऑर्गन बनता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये एक सेल भी हो सकता है, जैसे वायरस, कुछ बैक्टीरिया भी है। तो ये वायरस या बैक्टीरिया क्या है, जब हम लोग किंगडम की बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप देखते रहिएगा हमारे सारे लेक्चर, हम लोग एक के बाद एक अभी लाते रहेंगे। मेटाबॉलिज्म, लिविंग थिंग मस्ट यूज एनर्जी एंड कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स। जैसे आप जो खाना खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं वो कंज्यूम हो रहा है, आपका बॉडी उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है रिएक्शन होके, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म इन कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें काफी तरह के रिएक्शन आते हैं, जैसे हम लोग दो चार रिएक्शन हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ग्लाइकोसिस हो गया, तो इसे हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे। हेमाटोस्टेसिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट टू मेंटेन द रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ कंडीशन नीडेड ऑफ द सेल फंक्शन। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये हेमाटोसिस ये होता है कि जो अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बाहर का जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री, और आपका बॉडी उसको उस टेम्परेचर में भी अपने आप को कैपेबल रख पा रहा है, ठीक रख पा रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस में ही रख पा रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हेमाटोस्टेसिस। अगर वो लिविंग थिंग है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, कुछ स्पेशल केसेस में वो नहीं हो सकता है, वो हम लोग जब रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे तब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से लेकर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली भी कुछ पोर्शंस आता है, तो वो हम लोग जेनेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे उस चीज को। ग्रोथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर गो रेगुलेटेड ग्रोथ, कोई भी चीज, जैसे आप छोटे बच्चे थे जब आप का बर्थ हुआ था तब शायद आप 2 किलो के रहे होंगे, और आपका हाइट रहा होगा मुश्किल से 1/2 फीट का, तो लेकिन आप अभी कितने हाइट के होंगे, आप अभी लगभग 5 फीट के होंगे होंगे, और आपका वेट हो सकता है अभी 50 kg है। तो ये जो आपका चेंजेस हुआ है, ये जो आपका चेंजेस हुआ है 2 किलो से 50 kg तक का, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। और कोई भी चीज का ग्रोथ होना मतलब उसका सेल में भी इंक्रीज होना, सेल नंबर में इंक्रीज होना, सेल डिवीजन में उसका इंक्रीज होना। अगर हम लोग रिस्पॉन्स का बात करें, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं आपको टच कर रहा हूँ तो आप उसमें पता लग रहा है आपको कि मैं आपको टच किया हूँ, तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे को, तो जिस चीज को रिस्पॉन्स कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप सबको पता है कि पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो इवोल्यूशन, मीनिंग ऑफ द जेनेटिक्स मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन मे चेंज ओवर टाइम। ये पॉपुलेशन का ये मतलब है, इवोल्यूशन का ये मतलब है कि लोगों के बीच में इवोल्यूशन का प्रोसेस का बढ़ना, जैसे जो सबसे पहले आया था हमारे धरती पे वो एक छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, वायरस या बैक्टीरिया, फिर उससे मछली आया, मछली से हम शॉर्ट में आपको बताते हैं, उसी तरह मछली से फिर बना रेप्टाइल आया, रेप्टाइल से मैमल्स आया, मैमल्स से बंदर आया, मंकी आया, मंकी से फिर ह्यूमन आया। तो ये जो प्रोसेस चलता आ रहा है इसे हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें जो हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, जब हम लोग डाइवर्सिटी की बात करेंगे, टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, तब हम लोग इस चीज को पूरा डिस्कस करेंगे कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेके कि ये अभी तक का जो प्रोसेस है वो कैसे और इंसान कैसे आया, तो ये हम लोग उस चीज पर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी।
ये तो हम लोग तब तक अभी तक लाइफ का बात कर रहे थे, लेकिन ये बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, यहाँ पे दो वर्ड है, बायो एंड लॉजी। बायो, बायो जो वर्ड है वो बायोस से आया है और जिसका मतलब होता है लाइफ, और ये जो लॉजी वर्ड है, लॉजी वर्ड आया है लोगस से, रोमनाइज्ड लोगस वर्ड है, इसको हम लोग लॉजी लिखते हैं और इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ स्टडी या स्टडी। तो इसका मतलब ये हो गया, बायोलॉजी का फुल मतलब हो गया कि इस लाइफ ब्रांच ऑफ स्टडी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और ये एक ग्रीक वर्ड है जो बायोनिया से आया है, बायोलॉजिया मीनिंग होता है इसका बायोलॉजी, और इसे सबसे पहले 1802 में फ्रेंच साइंटिस्ट लैंडमार्क एंड द जर्मन साइंटिस्ट ट्री विनस ने डिस्कवर किया था। सबसे पहला उन्होंने ही टर्म रखा था, और इसका मतलब होता है बायोलॉजी का, ए स्टडी ऑफ लिविंग थिंग एंड डियर वाइटल प्रोसेस, दिस फील्ड डील्स विद द फिजियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच बायोलॉजी के काफी सारे ब्रांचेस है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बोटनी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनोमी, इकोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। लेकिन हम लोग जो पूरे बायोलॉजी का मेन दो ब्रांच होते हैं वो होते हैं बॉटनी और जूलॉजी, बेस्ड ऑन किंगडम। अगर हम लोग किंगडम की बात करें तो इस हिसाब से दो ही होते हैं मेन किंगडम, जैसे एक हो गया प्लांट किंगडम, एक हो गया एनिमल किंगडम। एंड प्लांट किंगडम जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, और जो हम लोग जूलॉजी जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी जो वर्ड है वो बॉटेन से आया है जिसका मतलब होता है प्लांट, और ये जो जूलॉजी वर्ड है वो जून से आया है और जिसका मतलब होता है एनिमल। बॉटन का जो फादर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, वो हम लोग इन्हें कहते हैं थियोफर्सस, और जिनका बॉर्न हुआ था 370 BC में, और इसे हम लोग एरिस्टोटल का स्टूडेंट्स भी मानते हैं, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट पे। उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसमें काफ़ी पेड़ पौधे के बारे में उन्होंने बता रखा है, तो इन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अगर हम लोग जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी को सबसे पहले जिन्होंने मतलब सबसे पहले जिन्होंने बताया है वो एरिस्टोटल है, और उनके स्टूडेंट ने ही सबसे पहले बॉटनी की खोज करे, तो फादर ऑफ बॉटनी हम लोग इन्हें मानते हैं। और इनका बर्थ हुआ था 384 में, और डेथ हुई थी 322 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा, BCE, बिफोर कॉमन ईरा, और इसे हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ये इन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसमें उन्होंने 500 स्पीसीज के बारे में एक बुक लिखी है, 500 स्पीसीज एनिमल के स्पीसीज के बारे में लिखा है, और ये बुक आई होप 8 या 16 वॉल्यूम में है। और उसके बाद जिन्हें हम लोग मॉडर्न जूलॉजी का फादर मानते हैं, ये इन्हें कहते हैं स्विस नेटुलिस्ट को हम लोग मॉडर्न जूलॉजी ऑफ फादर कहते हैं, और इनका उन्होंने 1551 में एक बुक लिखी है 3 वॉल्यूम में, हिस्टोरिया एनिमेलियम। उसके बाद जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी, फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी हम लोग अब्राहम ट्रिम्बलम को मानते हैं, जिन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पार्ट को बताया जूलॉजी के बारे में। वैसे तो बायोलॉजिकल जो किंगडम है वो थोड़ा सा ह्यूज चैप्टर है, जिसको किसी किसी जगह पे 5 किंगडम सिस्टम भी है, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटिया, फंगस, एनिमल। जैसे एनिमल में आता है कैट, काउ, ह्यूमन बीइंग, प्लांटिया में आता है पेड़ पौधे, तो उसी तरह एक ग्रुप्स होते हैं मोनेरा का भी, एक ग्रुप होते हैं प्रोटिस्टा का भी, एक ग्रुप होते हैं फंगस का भी। लेकिन ये तीन है क्या, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर का भी। नेक्स्ट अभी टाइम है, मतलब जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। किसी किसी जगह में 6 किंगडम सिस्टम भी है, जिसमें वो ऐड कर रखा है यू बैक्टीरिया और अर्ची बैक्टीरिया को, जो एक्चुअली मोनेरा का ग्रुप में ही आता है, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर रखा है। कहीं कहीं पर 3 डोमेन सिस्टम भी आता है, कहीं पर 8 किंगडम सिस्टम भी आता है। 8 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा को डिवाइड कर रखा है अर्चीजोआ, क्रोमिस्टा और प्रोटिस्टा में, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्कवर कर रखा है। तो हम लोग उस डाइवर्सिटी में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस चीज़ में।
अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में दो मेन ब्रांच आता है, एक है इकोसिस्टम इकोलॉजी और दूसरा आता है टैक्सोनॉमी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जब हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम होता क्या है? तो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप अमोंग द लिविंग रिसोर्सेज हैबिटेट एंड रेसिडेंस ऑफ द एरिया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे पानी पर मछली है और साइड पे पेड़ पौधा है, ऊपर बटरफ्लाई उड़ रहा है। तो ये जो एक आप देख रहे हैं कि सारा अपने आप एक सामंजस्य बना के सब एक साथ रह रहे हैं, इसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। वो अपने हैबिटेट पे रहें, जैसे मछली कीड़े मकोड़ा खा रहा है और कभी घास भी खा लेता है, कभी छोटा मोटा जो पेड़ पौधे होते हैं उसे भी खा लेता है, और फिर इंसान मछली को खा जाता है, इंसान को टाइगर या फिर वो लोग खा जाते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम एक सामंजस्य बना के पूरा चल रहा है इसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। जब हम इसका स्टडी करते हैं तो हम लोग इसे इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो सबसे मेन ब्रांच है वो टैक्सोनॉमी है। सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड इट्स इवोल्यूशन हिस्ट्री। टैक्सोनॉमी इज ए साइंस ऑफ नेमिंग एंड अरेंजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप। हमारे जो दुनिया में लाखों करोड़ों जो आपको इतने एनिमल्स दिख रहे हैं, पेड़ पौधा पशी पक्षी दिख रहे हैं, तो ये सारे को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं सिस्टमेटिक वे से, तो जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंगस, एनिमिला, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखे हैं सारे को एक अरेंजिंग फॉर्म में, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ग्रुप। जो फाइलोजेनी हम लोग उसे कहते हैं जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसका बैक हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसे हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं। और अब बात करते हैं बायोलॉजी का जो सबसे अहम हिस्सा, वो होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या बनावट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और इसका बहुत सारा पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है, एनाटोमी होता है, हिस्टोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, माइक्रो एनाटोमी होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम उसका शेप, साइज, कलर, एक्सटर्नल फीचर के बात करते हैं। एनाटोमी में हम लोग उसके अंदर के फीचर के बात करते हैं, उसको डाइसेक्शन करके काटते हैं, उसका हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी कहाँ कहाँ पर है, उन चीज़ों की बात करते हैं। जो हिस्टोलॉजी होता है उसमें हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू पढ़ते हैं, जिसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। साइटोलॉजी का मतलब जो मैं आपको पहले ही बताया कि सेल होता है, उसकी स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, और उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, जिसे हम लोग को माइक्रोस्कोप में स्टडी करना पड़ता है। और माइक्रो एनाटॉमी वो होता है जिसमें हम लोग हिस्टोलॉजी का भी पढ़ाई करते हैं और साइटोलॉजी का भी स्टडी करते हैं, उसे हम लोग माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं। और भी काफी सारा ब्रांचेस है बायोलॉजी का, जैसे जेनेटिक्स हो गया जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस और जीन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है। इम्ब्रायोलॉजी का हम लोग बात करें, इम्ब्रायोलॉजी एक स्टडी है। लॉजी का तो मतलब आप सबको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि लॉजी का मतलब जो वर्ड है लोगस से आया है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ इम्ब्रायो का बात करें, मतलब वो इम्ब्रायो की स्टडी को हम लोग इम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। और इम्ब्रायो होता क्या है, जब कोई नया इंडिविजुअल यानी नया ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है तो उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसे हम लोग इम्ब्रायो कहते हैं। सेल बायोलॉजी अभी मैंने आपको बताया सेल होता है, कि जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। फिजियोलॉजी जिसमें हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसके बॉडी का अलग अलग पार्ट का फंक्शन की स्टडी करते हैं, उसे हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। प्लांटियोलॉजी जिसमें हम लोग फसल की स्टडी करते हैं, फसल का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, काफी पुराना हो गया और उसका हड्डी मेरे को मिला तो उसे हम लोग फसल बोलते हैं, जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी तो आप सबको पता ही होगा कि जिसमें हम लोग एनवायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यह एनवायरमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे धरती का ही नहीं कि दूसरे ग्रह का। हाँ, स्टडी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मार्स मून में अगर कोई जा रहा है तो स्टडी करते हैं, उससे अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी का हम लोग ज्यादातर हम लोग अपने ही धरती के ही स्टडी करते हैं। एंटोलॉजी, एंटोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट्स की पढ़ाई। जब आप इंसेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसे एंटोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है,
जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। इसमें काफी सब्जेक्ट्स आते हैं, इनके अंडर ही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे इम्यूनोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इनके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली हम लोग इसे ये भी कर सकते हैं कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हम लोग एक एडवांस मेडिकल कर सकते हैं उसे। तो इस पे हम लोग इस चीज की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि उनका लाइफ आसान हो सके। इम्यूनोलॉजी में कोई भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी। पैरासिटोलॉजी जिसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वर्म हार्मोन हो गया, तो ये सब। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग। बायोफिजिक्स में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं जो बायोलॉजी में एप्लीकेबल होता है। बायोकेमिस्ट्री उसे कहते हैं जो केमिस्ट्री कंपाउंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड है। बायोजियोग्राफी एक्चुअली हम इसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये जो जियोग्राफी वर्ड आपको दिख रहा है, ये दो वर्ड है, एक हो गया जियोग्राफी और एक होता है जियोलॉजी। ये दो अलग अलग शब्द हैं, जियोलॉजी और जियोग्राफी, ये दो अलग अलग शब्द हैं, जिसमें हम लोग जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जियोलॉजी एक होता है, ये जैसे मान लीजिए अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया। अगर हम अर्थ का अंदर की स्टडी करते हैं, अगर हम अर्थ के अंदर यानी अंदर बोले तो उसके अंदर जो मेटल कहाँ पाया जाता है, पानी कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, अगर हम अर्थ के अंदर की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। अगर हम लोग अर्थ सरफेस की बात करें, अर्थ का सरफेस के ऊपर की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। और बायो जियोग्राफी का मतलब हो गया कि अर्थ के सरफेस में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म, उन सब की स्टडी अगर हम कर रहे हैं, उसके हैबिट्यूट के बारे में, वो स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, कौन सा जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, तो उसकी स्टडी को हम लोग बायो जियोग्राफी कहते हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल लाइफ के लिए कौन कौन सा मॉलिक्यूल का जरूरत होता है और उसके क्या मैकेनिज्म है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये सब भी कुछ आपको दे रखे हैं हमने, जैसे एराकोलॉजी हो गया, एंटीनो बायोलॉजी हो गई, इसमें लोग रेडिएशन का स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन बींग पे या लिविंग बींग पे। एरियोलॉजी हो गया, जो फ्लाई करता है जो ऑर्गेनिज्म। एग्रोफॉरेस्ट्री हो गया, एग्रोनोमी हो गया, एग्रोस्टोलॉजी हो गया जिसमें हम लोग ग्रासेस के बारे में स्टडी करते हैं। एंजियोलॉजी हो गया जिसमें हम लोग ब्लड वैस्कुलर के बारे में पढ़ाई करते हैं। ब्लड वैस्कुलर क्या होता है, ये हम लोग जब सेल पढ़ाई करेंगे तो तब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। एंटोलॉजी होगी जिसमें फ्लावर के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे काफी सारे ब्रांचेस हैं जो आप दिख रहे हैं स्क्रीन में। बैक्टेरियोलॉजी हो गया, बैक्टेरियो मतलब वायर, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। बैक्ट्राकोलॉजी होगी, इसमें लोग फॉग के बारे में, फ्रॉग के बारे में, मेढक के बारे में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्रिक्स, बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, साइटोलॉजी, जैसे मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा ब्रांचेस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप इसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, या मैं ही आपको बताऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में। कार्डियोलॉजी, हार्ट के बारे में स्टडी हो गया। पैरासिटोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कोई भी वेरियस डिजीज के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में स्टडी करें, उसे हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। मैमेनोलॉजी, जो मिल्क प्रोड्यूस करता है जो एनिमल, उसे मैमेनोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, फंगस के बारे में स्टडी होता है। तो ये चीज है, कुछ आप यहाँ पे दे रखे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने देखा कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कि इन सब ब्रांचेस होता क्या है, एक एक करके टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये काफी ब्रांचेस है, अगर आपको इससे भी ज्यादा कोई ब्रांचेस पता है कि आपको डाउट है कि ये ब्रांचेस क्या होता है, इसमें किस तरह का पढ़ाई होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पे अलग से डिस्कस करेंगे। अगर वो टॉपिक बड़ा होगा, अगर वो टॉपिक छोटा होगा, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो
नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस अर्थ में जीवन कहां से आया, कहां से शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में कि जो लाइफ आया है वो लाइफ किस तरह से इवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते गया, तो वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर कोई डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे मैं रिसर्च गेट गूगल स्कॉलर का लिंक भी दे रखा हूँ, आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।